हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बढ़िया होंगे। पढ़ना ज़रूरी क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई पढ़ना ज़रूरी क्यों है। चलिए मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दूंगा और मैं इस वीडियो को काफ़ी संक्षिप्त रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बच्चों मैं 8-10 एग्जाम्पल अपन लेते हैं। नंबर वन, ये अनाउंसमेंट होता है कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पर कोई तो नेता आने वाला है। मोदी आने वाले हैं, अमित शाह आने वाले हैं, राज ठाकरे आने वाले हैं, या कोई भी केजरीवाल आने वाले हैं। आप देखिए वहाँ पे 3-4 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चों ये आपको नहीं लगता कि शेयर इडियटनेस है? 10 लाख लोग इकट्ठे धूप में वर्किंग डे, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य कब होता है? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये जो वर्किंग डेज है इन दिनों को लोग इकट्ठे हो जाते हैं धूप में सिर्फ इसको सुनने के लिए, एक नेता को सुनने के लिए। जस्ट बिलीव मी, अगर ये लोग पढ़ाई किए होते, इन लोगों ने अगर कोई ढंग की पढ़ाई की होती, तो क्या ये 10 लाख लोग या 5 लाख लोग या 1 लाख लोग इकट्ठे धूप में जहाँ पे प्रॉपर कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्यों जाते हैं वहाँ पे? नंबर वन, आपको यहाँ पे नहीं आना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको सही और गलत का फैसला करना सीखना है, पढ़ाई ज़रूरी है। नंबर टू, क्राइम्स। आप देखते हैं कि यू नो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एडुकेटेड लोग क्राइम नहीं करते, बट आप 90%, जैसे कि अभी जो हमारे देश में प्रियंका रेड्डी जो डॉक्टर थी, उनका उनके साथ कुछ गलत हुआ और जो रेप वगैरह हुआ है, बिलीव मी बच्चों 90% जो क्राइम्स होते हैं, 90% जो क्राइम्स होते हैं वो वही लोग करते हैं। या तो वो अनएडुकेटेड हैं या फिर उनका जो एडुकेशन है वो बड़े निचले स्तर का एडुकेशन है, तो ये क्राइम वही लोग करते हैं 90%। मैं ये नहीं बोलता कि पढ़े लिखे क्राइम नहीं करते, बट क्राइम होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? कॉर्पोरेट स्कैम करते हैं, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 10000 करोड़ का, ठीक है, वो भी गलत है, बट मैं आपको क्राइम की कैटेगरी बता रहा हूँ। नंबर थ्री, डोमेस्टिक वायलेंस। आप देखिए कि जो अनएडुकेटेड लोग रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि भाई आपको पढ़ना ज़रूरी है। नंबर फोर, बच्चों आप देखिए, आपको कई बार आश्चर्य होता होगा यू नो कि यार हमारी लाइफ कितनी खतरनाक है। सुबह उठना, उठ के क्लास जाना, सेल्फ स्टडी करना, उसके बाद मतलब हम लोग के पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब आप निकलते हैं ना तो आप देखते हैं कि आपके 10-15 दोस्त लोग किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे, किसी पान की दुकान पे, किसी टपरी पे खड़े होते हैं एंड दे कम्युनिकेट, और किसी भी इलॉजिकल किसी भी टाइम पास इश्यू पे डिस्कस करते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा निकाल लिया, उसके बाद वो कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा निकाल लिया। बच्चों व्हाट नॉनसेंस यार, कहाँ से आता है इतना टाइम? काश वो टाइम हम लोग यू नो अपने देश के लिए कुछ करने में। बच्चों हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग पढ़ने के लिए मेहनत करेंगे, आप लोग टैक्स पे करेंगे जिससे देश चलेगा। वो नुक्कड़ और चौराहे पे जो लोग टाइम पास करते हैं ना, वो देश नहीं चलाते, देश हम चलाते हैं। नंबर फोर, जब आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। एक क्वालिटी आती है आपकी ज़िंदगी में, आप तो अच्छे बनते ही हैं, आप तो कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं, आपके साथ जो आने वाली 4 जनरेशन है ना, वो भी कुछ अच्छा करती हैं। आप अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच दे सकते हैं, आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा अर्जित करें, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और देखिए जब आप पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद उनको खर्च करते हैं, आप देश का अच्छा ही करते हैं। तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, मुझे मेरी बात पे यकीन मानिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पांचवा, सर उठा के जीना। बिलीव मी, मैंने एक दिन वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे ना तो आपको अपने घर से रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। ये बात प्लीज़ कान खोल कर समझ लीजिए, आपको अपने घर से रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, आपके घर वाले भी आपको नहीं पूछने वाले इफ़ यू डोंट स्टडी। आप शायद इस बात से इतफाक रख सकते हैं, आप अपोज कर सकते हैं कमेंट लिख के, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा एसेट नहीं बन पाया, मेरे घर वाले भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मेरी डिग्निटी मेंटेन्ड नहीं रहेगी। सो पढ़ाई करना ज़रूरी है। नंबर 6 नंबर 7 व्हाटएवर इट मे बी, पढ़ाई करना मुझे इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। आप बच्चों, मैं चूँकि टीचिंग इंडस्ट्री में हूं और मैं काफ़ी अच्छा मतलब मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाली कृपा से ठीक ठाक पोजीशन पे हूं। बच्चों मैं अपनी इनकम का काफ़ी अच्छा पोर्शन डोनेट करता हूं समाज के भले के लिए, और मैं तो बहुत छोटा मोटा अमाउंट डोनेट करता हूं। महेंद्र सिंह धोनी और जितने भी विराट कोहली और जितने भी बिग शॉट्स हैं, ये लोग तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति डोनेट करते हैं हर साल बच्चों। लेकिन मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मैं भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन समाज के उत्थान के लिए करता हूँ। सो ये क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैंने पढ़ाई की है, मैंने अच्छा करियर चुना है।
तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छा करियर चुनें, आप पढ़ाई करें बच्चों। ये टाइम ना नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये फालतू की जगहों पे बर्बाद करने का नहीं है। बिल्ड अ करियर, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। क्या सोच रहे हैं बच्चों आप लोग? इतने सारे एडवांटेज है बच्चों, सोसाइटी में सर उठा के जीना है, माँ बाप को ऊपर लेके जाना है, अपने लिए अच्छा आशियाना बनाना है, ज़िंदगी अच्छी करनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, और जिस लड़की को चाहते हो उसको भी इम्प्रेस करना है ना। आप जिस लड़के को पसंद करते हो आपको